নরোত্তম মিশ্র যে ইনচার্জ আছে সে তো ওই একটা হিজলাকে পড়তে মতে আছে বিকাশ দুবে যে ইউপিতে এনকাউন্টার হয়েছিল কার রিলেটিভ আছে ও বাচ্চার জন্য পালিয়ে গেছিল কার বাড়িতে মধ্যপ্রদেশে এই হোম মিনিস্টারের বাড়িতে তো ছিল যাকে তুমি বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছে যার রিলেটিভ এর মধ্যে পড়ছে তো তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আর তুমি পশ্চিম বেঙ্গালে আছে মামদাদি বিরুদ্ধে কথা বলবেন अगर देता तो वो जेल में कैसे होता और उत्तर प्रदेश पुलिस को तो हमने ही सौंपा था। अब इनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव है, अकाल पड़ गया है और इसलिए ये आपा खो गए हैं, अपना संतुलन खो गए हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे बारे में किया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी प्रमाणित करूँगा उनको, अवसर मिलेगा तो। लेकिन वो अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, गृहमंत्री के बारे में बोलते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक शायर ने शायरी कही है कि कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेला खेलाए के जीते और खेलाए के हारे। নন্দীগ্রামের দৈরাত নাকি বিজেপি রণকৌশল? বামেদের নতুন পুরনো মিশেল নাকি সংযুক্ত মোর্চার আহ্বান? বাংলার মাসনা দেখে জানতে হলে ক্লিক করুন ইতিহাস ভারতে।